आए एक और क्वेश्चन हम जॉइंट वेंचर का जिसमें एक इंडिविजुअल जो वेंचरर है वो बुक्स को मेंटेन कर रहा है वेंचर के बिहा पर ए बी एंटर इन टूंट वेंचर फॉर परचेज एंड सेल ऑफ हंड्रेड थाउजेंड वर्थ ऑफ गुड्स अब अगेन मैंने सिंपल रखा है कि लंबी चौड़ी कहानी नहीं डाली कि आपने एक एसेट सेल्स करनी हंड्रेड थाउजेंड की वर्थ ऑफ गुड्स A finance the venture and B undertake the selling and receiving the commission of 7.5% on sale. Clear हुआ कि A ने finance किया है इस purchase को inventory को और बेचना है इसने B ने और B जो है क्योंकि ये service render कर रहा है तो उसको उस पर commission मिलेगा profit loss being shared equally यानी commission मिलने के बाद जो profit बचेगा वो they will share equally ए पेड फॉर द गुड्स लेस थ्री पॉइंट सेवन फाइव परसेंट फॉर कैश अच्छा पेमेंट आपने हंड्रेड थाउजेंड की नहीं की बल्कि आपने थोड़ा डिस्काउंट मिल गया तो नेट पेमेंट आपने की होगी वो इन्वेस्टमेंट्स में आए एन एडवांस टू थाउजेंड टू बी फॉर एक्सपेंसिव यानी आपने बी को दो हज़ार कैश भी भेजा गुड्स तो भेजी हैं जितने की मैं आपने खरीदी है प्लस आपने उसको दो हज़ार रुपये भी भेजे ही रिसीव टोटल रिमिटेंस ऑफ नाइन्टी था अब बी ने जो सेल वगैरह की जो कुछ किया ड्यूरिंग द पीरियड नाइन्टी थाउजेंड रुपीज़ रिमबर्स कर दी आप कहेंगे क्या क्यों किए भाई आपने उसको चीज़ें ख़रीद कर दी ना नाइन्टी सेवन थाउजेंड कुछ ज़ाहिर है वो जो पैसे आ रहे हैं वो आपको तो करेगा बी पेड सेवेंटीन थाउजेंड सिक्स सेवेंटी एंड मैनेज टू सेल दी एंटायर गुड्स फॉर वन फोर्टी फोर्टी फोर पॉइंट टू अब देखिए जो बी है वो सेल कर रहा है तो उसको एक्सपेंस भी पड़ रहा है तो वो एक्सपेंस की फिगर भी अगेन डिटेल नहीं है टोटल और सारी गुड्स जो है न बिक गई अब इसमें प्रॉब्लम ये हो जाती है अगर स्टॉक पड़ जाए तो फिर मसला होता है अगर स्टॉक हो तो फिर उसकी एडजस्टमेंट्स कैसे होगी लेकिन मैंने वो अवॉइड किया सारी बेच दी और इसने पैसे आ गए द प्रोसीड्स पेड इन हिज ओन बैंक अकाउंट उसने एक बैंक अकाउंट खोला उसमें ये पैसे डाल दिए हमें सारे वहीं से वो एडजस्टमेंट करेगा रिक्वायरमेंट है प्रिपेयर द एंट्रीज इन ए एंड बी बुक्स जॉइंट वेंचर मेमोरेंडम अकाउंट शोइंग द रिजल्ट ऑफ देंचर अब ये एक बेसिक क्वेश्चन है कि कैसे हम जॉइंट वेंचर अगर एक पार्टी रिस्पॉन्सिबल है टू टेक केयर ऑफ द बाइंग सेलिंग या बाइंग से की और सेल करने के लिए तो हाउ द अकाउंटिंग विल बी टेकन केयर अब देखिए पर्टिकुलर्स इन एस बुक ए अपने यहाँ क्या रिकॉर्ड करेगा देखिए उसने गुड्स खरीद कर बी को भेज दी तो वो सिंपली वर्ड यूज़ करेगा जॉइंट वेंचर विद बी और कैश क्रेडिट कर देगा ये डिटेल में नहीं जाते परचेस डेबिट करें और कैश क्रेडिट करें फिर वो भेजें ऐसे नहीं डायरेक्ट और ये नाइन्टी सिक्स टू फिफ्टी कैसे हैं हंड्रेड थाउजेंड माइनस थ्री पॉइंट सेवन फाइव परसेंट रुपए थ्री सेवेंटी फाइव थ्री हंड्रेड सेफ्टी उसके बाद दो हज़ार जो कैश भेजा है वो भी आप देखें जॉइंट वेंचर विद बी कैश अच्छा ये वर्ड कैश या बैंक सेम मीन में इस्तेमाल करते हैं हम अकाउंटिंग में लेकिन ऑब्वियसली प्रैक्टिकली तो डिफरेंट होता है लेकिन हम वर्ड यूज कर रहे हैं डैश डाल कर बैंक भी लिख देते हैं डैश डाल कर कैश भी लिख देते हैं अब आपके पास उसने बैंक पे ड्राफ्ट भेजा है तो आपने बैंक को डेबिट किया अब देखे जाहिर है वो पैसे तो नहीं भेजेगा इस तरह से अगर भेज रहा है तो वो आपको ड्राफ्ट की शक्ल में भेज रहा है तो आपको नाइन्टी मिलियन जो पैसा आया आपने डेबिट किया और जॉइंट वेंचर विद बी को क्रेडिट कर दिया अच्छा अब ये जो जॉइंट वेंचर विद बी और प्रॉफिट है ये अकाउंट्स बनेगा और उससे पता चलेगा कि प्रॉफिट कितना हुआ और कैसे उन्होंने शेयर किया है और अल्टीमेटली वो आपको पैसे वापस कर देगा जो भी उसके अकाउंट्स में पैसे बनते हैं इसी तरह दूसरे की भी देख लें और फिर आगे देखते हैं देखिए बी की बुक्स में क्या हो बी के पास दो हज़ार कैश आया तो बैंक डेबिट करेगा और जॉइंट वेंचर विद ए क्रेडिट करेगा ये वो जो गुड्स आ रहा है वो अपने रिकॉर्ड में मेंटेन नहीं कर रहा है क्योंकि वो तो रहा ही है और बिक जाएंगे ख़त्म हो जाएंगे इसी तरह जब वो पैसे भेज रहा है आपको तो वो जॉइंट वेंचर विद ए डेबिट कर रहा है और बैंक को क्रेडिट कर रहा है और जो खर्चा कर रहा है वो भी जॉइंट वेंचर ए के ब्याग पर ही कर रहा है जॉइंट वेंचर के ब्याग पर कर रहा है तो वो डेबिट करेगा ए को और क्रेडिट कर देगा बैंक फिर जो सेल किया उसने उससे बैंक डेबिट और जॉइंट वेंचर ए क्रेडिट और फिर इसमें ये जॉइंट ये जो कमीशन का पार्ट है इसका यानी जो सेल किया आपने वन फोर्टी फोर टू हंड्रेड इस पर जो आपका कमीशन का रेट और सेल कमीशन बनाया तो आपकी फिगर बन गई टेन थाउजेंड एट हंड्रेड एंड ये आपकी कमीशन इनकम है तो आप देखें जॉइंट वेंचर विद ए और कमीशन अर्न आ गया और फिर जॉइंट वेंचर विद ए और प्रॉफिट लॉस यानी जो प्रॉफिट हुआ है तकरीबन अठारह उन्नीस हज़ार कुछ हुआ है तो उसका फिफ्टी परसेंट वो प्रॉफिट की फिगर भी आ जाएगी और अल्टीमेटली वो जॉइंट वेंचर ए को क्लोज़ करेगा उसका लेजर बनाएगा और देखेगा उसमें बैलेंस क्या है और उसको वापस पैसे कर देगा देखिए जॉइंट वेंचर मेमोरेंडम अकाउंट यहाँ से पता चलेगा आपको देखिए सेल्स है परचेजेस हैं एक्सपेंसिस हैं कमीशन है और जो प्रॉफिट बचा है उसको शेयर किया उन्होंने फिफ्टी फिफ्टी एक पॉइंट नाइनटीन थाउजेंड फोर सिक्सटी फाइव जो है ना ये टोटल प्रॉफिट बना इसको शेयर किया ए और बी में इट्स जस्ट लाइक ए पार्टनरशिप और फिर जॉइंट वेंचर विद बी जो है वो देखिए डेबिट कर रहा है आप यहाँ कैश और कैश टू थाउजेंड प्रॉफिट और बैंक क्रेडिट तो ये एंट्री भी कंप्लीट हो जाती है 96 250 200 फिफ्टी टोटल करें तो ये इसके बराबर आ जाता है जॉइंट वेंचर भी एक ऐसे क्लोज करेगा देखें बैंक डेबिट पैसे जो है एक्सपेंस डेबिट कमीशन डेबिट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट और बैंक डेबिट और बैंक क्रेडिट और, और आप सेल्स क्रेडिट तो ये सारे जो है आपके डबल एंट्री कंप्लीट हो जाती हैं थैंक यू वेरी मच